संत समाज, देवियों और देवताओं, हमारा जीवन दो मूल तत्वों का संगम है। तत्व कहते हैं अंतमी सत्यता को, जड़ और चेतन, जिसको प्रकृति और पुरुष भी कहा जाता है। गीता में कहा गया प्रकृतिम पुरुषम च विदनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनाद जानो। प्रकृत पुरुष, ये भाषा सांख्य दर्शन का है, जिसके प्रवर्तक कपिल जी महाराज हैं। पुराकाल ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया है कि कपिल ऋषि प्रथम पैदा हुए। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम। सांख्य दर्शन बहुत पुराना है, निर्मल है, उदार है, सागर के समान है। ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। दुनिया में जितना भी ज्ञान है सब सांख्य से आया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी महाराज, गीताकार ने श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूँ। कपिल का ज्ञान बड़ा ऊंचा, प्रकृत पुरुष विवेक, पुरुष आत्मा, प्रकृत जड़। पुरुष का अर्थ होता है आगे जलाने वाला। पुरुष शब्द में दो पद है, एक पुर एक उस। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना। इसीलिए सूरज उगने के पूर्व जब पूर्व तरफ से प्रकाश की आभा उठती है तो उसको उषा कहते हैं। उस नाम जलाना, उषा नाम जलाने वाली, पुरुष पुर उस, जो आगे आगे जलाए वो पुरुष। ये आत्मा ज्ञान का दीपक आगे आगे जलाता रहता है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा जाता है। पुरुष का दूसरा अर्थ है पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करता है, इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है। नर और नारी शरीर है, आत्मा नर नारी नहीं। आत्मा को पुरुष कहा गया और चेतन कहा गया, उसी के लिए ब्रह्म ईश्वर परमात्मा सारे विशेषण हैं। तो दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। आप चेतन हैं, शरीर जड़ है। आप शरीर नहीं हैं। जैसे कोई मकान में हो और कहे मैं मकान हूं, वो पागल है। गाड़ी का ड्राइवर कहे कि मैं गाड़ी हूं तो पागल है। ड्राइवर गाड़ी से अलग है, आत्मा देह से अलग है, देह में है और देह से अलग है। जैसे घड़ा में पानी है तो पानी घड़ा से अलग है और घड़ा में है। घड़ा और पानी एक नहीं है, दो है। घड़ा में पानी है, इसी प्रकार देह में आत्मा है, आत्मा देह दोनों दो है। इसलिए हमारे कर्तव्य व्यवहार और परमार्थ के अलग अलग हैं। शरीर के लिए व्यवहार है, आत्मा के लिए परमार्थ है। व्यवहार और परमार्थ दोनों दिशाओं में समुचित कर्तव्य करना, ये जीवन की सार्थकता है। व्यवहार के बिना परमार्थ बन नहीं सकता है। व्यवहार कहते हैं प्राणी पदार्थों के साथ बर्ताव, अपने इंद्रिय और मन द्वारा प्राणी पदार्थों के साथ बर्ताव व्यवहार कहलाता है। अगर अपने मन इंद्रिय को आप प्रदूषित करते हैं तो व्यवहार गलत होता है। मन को क्रुद्ध किए, द्वेष में ग्रसित किए,
काम मोह में लगाए, लोभ में लगाए, तो दूषित मन द्वारा अगर वाणी निकलेगी तो वाणी दूषित रहेगी, और कर्म होंगे तो कर्म दूषित रहेंगे, दूसरे को तकलीफ होगी और अपने को भी तकलीफ होगी। हम अपने मन, वाणी और इंद्रियों को जितना लंपट करेंगे, जितना व्यतिक्रम करेंगे, अशुद्ध करेंगे, उतनी तकलीफ हमें होगी और दूसरों को भी होगी। जब हम क्रोध में होते हैं तो नरक होता है, और दूसरे लोग जिस पर प्रभाव उसका पड़ता है उनको भी कष्ट होता है। इसको संभालने की जरूरत है। घर में आप सुबह उठे और एक कटु शब्द कह दिए तो परिवार रूपी सागर में विषैली तरंग उठ गई और दिन भर सबका कट हो गया। मीठा वचन बोले, आनंद की लहर आ गई। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। व्यवहार में आपाधापी किए, दूसरे का हक मारे, दूसरे की अवमानना किए, इज्जत घटाए। आपके घटाने से किसी की इज्जत नहीं घटेगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया तो उसमें क्षोभ पैदा होगा। आपके मन में क्षोभ होगा, परिवार में होगा, समाज में होगा, सबको तकलीफ होगी, और सबको तकलीफ का पाप जो पड़ेगा वो आपके ऊपर गहरा पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण ऐसा हुआ है। जीवन जीने की कला जिसको नहीं ज्ञान है और ठीक से नहीं जीता है, वो धनी हो सकता है लेकिन मन उसका सुखी नहीं होगा, विद्वान हो सकता है लेकिन मन उसका संतुष्ट नहीं होगा, गुरु बाबा हो सकता है, महाराज, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, जगतगुरु, लेकिन अंतरात्मा उसकी शीतल नहीं हो सकती है। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए हम ऐसा ईश्वर गढ़ते हैं जो क्षमा कर सके, ऐसा देवता गढ़ते हैं जो क्षमा कर सके, और हमारे मन का भुलावा है, कोई क्षमा नहीं कर सकता। एक आदमी ने चोरी की और जा करके मंदिर में प्रार्थना करता, हे भगवान क्षमा करो, लड्डू चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, रुपया, कपड़ा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, भगवान खुश हो गए, क्योंकि भगवान बेचारे को कपड़ा कहाँ मिलता, लड्डू भी उसको कैसे मिलता, उसके रुपये पैसे तो नहीं खरीद लाता। आपने दया की, भगवान को चढ़ाया, वो खुश हो गया, अब आपका पाप काट दिया। आप ये विचारिए, जो भगवान आपको चोरी से नहीं रोक पाया वो चोरी के पाप को काट पाएगा? भगवान बेचारे का बल चलता तो आपको चोरी करने ही न देता, लेकिन उसका बल नहीं चला। मंदिरों में चोरी होती, मूर्तियां चुरा जाती हैं। एक जगह हनुमान जी की आंख निकाल ली गई क्योंकि मोती की बनी थी। मूर्तियां तो खूब चुरा जाती हैं, करोड़ों करोड़ों की मूर्तियां चुराई जाती हैं। जहां जहां ईश्वर की बड़ी प्रार्थना होती है वहां वहां अत्याचार होता और ईश्वर रोक नहीं पाता है। जब ईश्वर पाप से को रोक नहीं पाता है तो आपका पाप काट कैसे पाएगा, ये विचार कीजिए। लेकिन धर्म में ये नहीं कहना चाहिए। धर्म में तो जो कह देते हैं पंडित, महात्मा, मौलवी जी, पादरी जी, ज्ञानी जी, उसको मान लेना चाहिए, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। डराया गया, धमकाया गया, और धर्म के नाम पर समाज को बेवकूफ बनाया गया। बौद्धिक शोषण धर्म ने भयंकर किया। चमत्कार जितना है ये बौद्धिक शोषण है। इसमें हमारे गुरु के दर्शन कर लो, आपको बच्चा हो जाएगा।
आंखें आ जाएंगी, रोग दूर हो जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी, चुनाव में जीत जाओगे, मंत्री हो जाओगे, क्योंकि हमारे गुरुजी सिद्ध हैं। ये सब झूठा है। कोई गुरु सिद्ध है तो इसका मतलब है उसको क्रोध नहीं आता है, उसके मन में काम विकार नहीं उठता है, वो लोभी नहीं, वो दुखी नहीं होता है, निर्भय, प्रशांत है, आनंदित है। ये सिद्ध का लक्षण है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। महात्मा की कुटिया बन रही थी, 20 हाथ सहतीर की लकड़ी चाहिए थी सहतीर के लिए, 20 हाथ लकड़ी आई, 19 हाथ रही। महात्मा ने देखा तो 20 हाथ हो गई। 1000 महात्मा के देखने पर भी लकड़ी 1 सूत बढ़ नहीं सकती। अब आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा, 1000 ईश्वर मिल करके 19 हाथ लकड़ी को 1 सूत बढ़ा नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ईश्वर नहीं कर सकता है, ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल उगा दे और कमल पर सूरज उगा दे, असंभव को संभव कर दे। ईश्वर बलवान है, सर्व समर्थ है। बात बहुत बढ़िया लगती है। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि सूरज पर कमल न उगाए और कमल पर सूरज न उगाए, इस धरती से चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी, मारामारी, सांप्रदायिक और जाति भावना लेकर के दुष्कर्म, जितने पाप हो रहे हैं ये सब को रोक दे बस। और ये बेचारा नहीं रोक पा रहा है। सूरज पर कमल उगा देगा और कमल पर सूरज उगा देगा? एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। कहे चला के दिखाओ। कहे जब उसका मन होगा तब चलेगा। ईश्वर जब चाहेगा तो सूरज पर कमल उगा देगा। ईश्वर को हमने व्यक्ति बनाया है और व्यक्ति की दुर्बलता क्या है, वो क्रोध करता है और दया भी करता है। क्रोध की तो हमें जरूरत नहीं है, दया की जरूरत है। पाप हम करें ईश्वर काट दे, और बिना हमारे त्याग तप और श्रम के हमें भोग और मोक्ष दे दे, इसकी हमें जरूरत है। इसलिए हमने व्यक्ति ईश्वर को गढ़ा है और वो भुला हुआ है। हर मत का अलग अलग व्यक्ति ईश्वर है। हर व्यक्ति, हर मत का ईश्वर उसी मत वालों का उद्धार करता है, दूसरे का नहीं करता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। जितने संप्रदाय हैं वह संप्रदाय वाले यही मानते हैं कि हमारे मत वाले स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे वाले नरक में जाएंगे, हमारे वाले मुक्त होंगे, दूसरे लोग बंधन 84 में भटकते रहेंगे। हर संप्रदाय का अलग अलग ईश्वर है और हर संप्रदाय वालों ने अपने अपने ईश्वर को अपने मत में दीक्षित कर लिया है और डांट दिया है दूसरे मत वालों का स्वर्ग देना नहीं, मोक्ष देना नहीं। ईश्वर का खिलवाड़ लोगों ने खूब किया है और ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणी भी काटे जाते हैं, बकरे, मुर्गे और भी जानवर, मासूम बेचारे जानवर जो निहायत दयावान ईश्वर है और देवता हैं, उनको खुश करने के लिए प्राणी काटे जाते हैं। इससे अधिक उल्टी बुद्धि कुछ हो सकती है? क्या ईश्वर क्रूर है? अगर किसी की जी तड़फड़ाए, किसी का जी तड़फड़ाए और कोई खुश हो तो ईश्वर और देवता है? इतनी सी बात ईश्वर और देवता वाले नहीं समझते हैं। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके हमने अनर्थ किया है। विश्वव्यापी नियम रूपी ईश्वर को हम भूल गए। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है जिसमें कृपा और कोप नहीं है, जिसमें प्रार्थना नहीं चलती है, लड्डू चढ़ाना नहीं चलता है, पुरस्कार और तिरस्कार नियम में स्वाभाविक है। आपने भोजन संतुलित किया है तो आंत का नियम आपको सुख देगा,
अगर असंतुलित किया है, ज़्यादा किया है, तो आपकी आंत का नियम आपको तकलीफ देगा, न प्रार्थना काम देगी, न लड्डू काम देगा, न जप काम देगा, न ईश्वर भगवान देवता काम देंगे, कोई काम नहीं देगा, पेट खराब हो जाएगा, आग छुएंगे तो जलेंगे, वाणी और मन और कर्मों को गंदा करेंगे तो मन क्षुब्ध होगा, कोई भगवान बचा नहीं सकता है। विश्वव्यापी नियम को हम समझें, विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, वो एक का नहीं है। किसी मजहब के द्वारा ये मान्य है कि ईश्वर हमारे मजहब वालों का कल्याण करता है, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर उन्होंने गढ़ा है, नियम ऐसा नहीं है। हवा सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, धरती सबके लिए धरती बराबर है, जल और संसार की जितनी चीजें हैं सबके लिए बराबर हैं, ऐसे जो विश्वव्यापी नियम है वो सबके लिए बराबर है। कर्म अगर हम गलत करेंगे तो वो हमारे पीछे लग जाएंगे, अच्छा करेंगे वे भी लगेंगे, अच्छा सुख देंगे बुरा दुख देंगे, इसमें प्रार्थना और आर्थना काम नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा है, विबुध काज बावन बलि छलो भलो करि जानी, प्रभुता तज बस भेद दप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान ने बावन रूप धर करके बलि को छला, क्योंकि इंद्र को गद्दी दिलवानी थी, और इसके बाद उनको पश्चाताप हुआ तो बलि के अधीन हो गए, तो भी उनके मन की ग्लान न गई, पीड़ित रहा मन कि मैंने पाप किया। विश्व भगवान अपने कर्मों का फल भोगे, कटा नहीं, हमारा आपका कैसे कटेगा। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा, नित से काम नहीं किया, तो कृष्णा अवतार में जरा नाम के व्याध के बाण से वो मारे गए, ये पंडितों ने लिखा, पंडितों ने महाराज राम को क्षमा नहीं किया। श्री कृष्ण ने शिषपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे, पंडितों ने लिखा, कृष्ण भगवान को भी क्षमा नहीं किया। भारतीय परंपरा की उदारता है, कर्म सिद्धांत की बड़ी दृढ़ता है, फिर सस्तेन उसके बीच बीच में खूब कहे गए हैं, 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक हैं जो दिमाग खराब कराऊ है। प्रयाग के क्षेत्र में जितने हैं सब मुक्त ही है, काशी में सब मुक्त ही है, नर्मदा के दर्शन करने से मोक्ष होता है, ये सब पागलखाना की बात। मुक्ति का अर्थ क्या होता है, निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। प्रयाग में रहने वाले सबका मन निर्मल है, काशी में रहने वाले सबका मन निर्मल है, कर्म सिद्धांत को ही हिला करके रख दिया गया है। अरे धर्म की किताबों में जब तक आप निरछीर विवेक न करेंगे सत्य का मोती नहीं मिलेगा। हमें इसलिए किसी की बात न मान लेनी चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्ध है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उसके पीछे बहुत अनुगामी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि वो बड़ा विद्वान है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि पुरानी पोथी में वो बात लिखी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उस शास्त्र को मानने वाले मावालों की संख्या बहुत है, किंतु मानना न मानना विवेक से निर्णय करके जो सत हो उसको मानना चाहिए, जो सत न हो उसको नहीं मानना चाहिए। अब आप में क्षमता है, आप अगर हम और आप निष्पक्ष होकर के विचारें तो नीर छीर का विवेक हो जाएगा। आदमी बिल्ली वृत्ति वाला है, बिल्ली अपने बच्चे को जब ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो मुंह से ही ले जाती है, उसके हाथ नहीं, लेकिन दांत लगने नहीं देती, और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम।
जब हम अपने संप्रदाय की बात करते हैं तो उसकी गलत बातों को छिपाते हैं और गलत बातों की भी प्रशंसा करते हैं। अब जब दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो अच्छी बातों को भी घटाते हैं, नीचा करते हैं और उनकी गलत बातों को उभारते हैं। ये बिल्ली वृत्ति, हमें उदार बनना चाहिए। अपना मत, दूसरा मत, अपने महापुरुष, दूसरे महापुरुष, कौन महापुरुष हमारे हैं और कौन हमारे नहीं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। साहब ने अल्लाह राम साथ कहा। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। इतने औरत मर्द हैं, सब तुम्हारे रूप हैं। साहब कहते अल्लाह और राम के पोंगरा हमारे गुरपीर हैं। अल्लाह के पोंगरा नूर प्रकाश ईसा मोहम्मद सब हमारे गुरपीर हैं। और राम, राम का अर्थ ईश्वर, ईश्वर आर्य परंपरा का नाम। उसके जितने नूर हैं, प्रकाश हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण और भी नाम लिए जा सकते हैं, ये सब हमारे गुरपीर हैं। इतनी उदारता की बात कबीर साहब ने जैसी कही है, धरती पर अद्भुत है। अगर आप हिंदू हैं तो चिपक न जाए हिंदुत्व में, मुसलमान हैं तो मुसलमानियत में चिपक न जाए। हिंदू मुसलमान शब्द है, मनुष्य केवल मनुष्य, ब्राह्मण शूद्र केवल शब्द है, मनुष्य केवल मनुष्य। कबीर पंथ, वैष्णव, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत, ये शब्द है। धर्म का तत्व सबके दिल में, सत्य सबके दिल में। सत्य किसी संप्रदाय से नहीं प्राप्त होता है, सत्य आप स्वयं हैं। सत्य आपको पाना नहीं, सत्य आप स्वयं हैं। उसी सत्य को ब्रह्म, राम, अल्लाह, खुदा कुछ कह लो, अपने को संभालना, हर क्षण अपने को संभालो। जो अपने को संभालता है वो दूसरे को तकलीफ नहीं देता है, दूसरे को ही तकलीफ देता है जो अपने को नहीं संभालता है। ईश्वर के नाम पर हम ढील हो गए हैं, क्योंकि ईश्वर को बना लिए और वो काम तय कर देगा, जैसे भी उल्टा सीधा करते हैं वो क्षमा कर देगा। बस नाम जपना चाहिए, पाप कटेगा। तीर्थ बना लिए हैं, उसमें नहाएंगे पाप कट जाएगा। सभी मत वालों ने नए नए नुस्खे बना लिए और उसी से सब कुछ रफा दफा करने के चक्कर में हैं। नाम जपना ठीक है, मंत्र जपना ठीक है, नमाज पढ़ना ठीक है, नदी में नहाना ठीक है, तीर्थों में घूमें अच्छा है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये विचार करें कि मन कितना निर्मल है, वाणी कितनी निर्मल है, कर्म कितने निर्मल हैं, इसको देखें। अगर इनमें निर्मलता नहीं आई तो कुछ काम करेगा नहीं। क्षणिक संतोष वो सब में होगा, नाम जप, मंत्र जप, मंदिर मस्जिद में आना जाना क्षणिक संतोष देगा। अस्थाई संतोष जीवन को बदलने से होगा। असली पूजा है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, दफ्तर में काम नहीं करना चाहते। दफ्तर ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में काम करना नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसे भगवान के भक्त हैं लेकिन प्राणियों को धोखा देंगे। कौन से भगवान के भक्त? एक सगुण भगवान है, एक निर्गुण भगवान है। सगुण भगवान बाहर है, निर्गुण भगवान भीतर है। ये देखो, सगुण भगवान बैठा विराट पुरुष, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव, इस सगुण की पूजा। और आत्मशोधन निर्गुण की पूजा। आंखें खुले तो जहां तक दृश्य दिखाई देता है प्राणियों का, ये सगुण भगवान है। आंखें बंद करो, अंतरात्मा, अपने में विश्राम पाओ। आदमी बाजार जाता है
बाजार में घूमता फिरता है, खाता पीता है, घर आता है, फाटक बंद करके अंदर चला जाता है, अपने बाल बच्चों में रहता है, फिर वहाँ से भी थक जाता है, बाल बच्चों से हट करके अपने शयनागार में अकेले जाके सो जाता है। ये उदाहरण हुआ। ये आत्मा मन इंद्रियों के द्वारा संसार बाजार में मानो घूमता है। आत्मा मन इंद्रियों से जगत को देखकर जगत का व्यवहार करता है, और जब वो व्यवहार करना छोड़ देता है, आंखें बंद कर लेता है, इंद्रियों को शांत कर देता है, तो अंदर में आ जाता है। तो उसके बाल बच्चे रूपी संस्कार अंदर में है, वह संस्कार यादगिरियां उसके इर्द गिर्द लगी रहती हैं। लेकिन जब उन संस्कारों को भी शांत कर देता है, तो अपने आत्मा रूपी सैया पर विश्राम करता है, वो समाधि। बाहर बाजार छोड़ करके अंदर आ जाओ। अब अंदर में भी जो संस्कार रूपी बाल बच्चे, उनको भी छोड़ करके और अंदर अपने आत्मा में आ जाओ, वहाँ परम विश्राम है। आत्मा को पहचानो। आप अपने आत्मा के सहित यहाँ आए हैं। यहाँ से चंद्रलोक में जाएं तो अपने आत्मा के सहित ही जाएंगे। टट्टी घर में जाएं, मंदिर में जाएं, अपने आत्मा के सहित ही जाएंगे। आत्मा ही हमारा अंतरतम है और कुछ अंतरतम नहीं है। चाहे जितना हम जोड़ लें प्राणी पदार्थ, वो दिखावा है, धोखा है जीवन का, और इसी में भूल भूल करके सब पीड़ित हैं। बड़ी उन्नत, बड़ी उन्नत, बड़ी उन्नत, बहुत बड़ा भवन बनवा लिए, अच्छी अच्छी कारें हैं, खूब पैसा जमा है, बड़े नेता हो गए, बड़े महाराज हो गए, बड़ी उन्नत। लेकिन ये देखना कैसा है? अगर मन में क्षोभ है, क्रोध है, मोह है, काम है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चिंता है, उद्वेग है, प्रतिक्रिया है, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, हरदम वितर्क चित्त में है, तो ये दुनिया के ऐश्वर्य में हमारी कमाई यही हुई है। हमने उन्नत तो बाहर जरूर की, भीतर पतन किया। हमारे मन में विश्राम नहीं, मानसिक उद्वेगों से हम रहित नहीं, प्रतिक्रिया में मन हरदम भरा, पत्नी के लिए प्रतिक्रिया, पति के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, गुरु भाई के लिए, जने जने के लिए हमारे मन में प्रतिक्रिया। कौन सा जीवन है? जीवन है कि नरक है? धन होने से क्या होगा? धन थोड़ा चाहिए, इस जठर ज्वाला को शांत करने के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए थोड़े कपड़े चाहिए, सोने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। बड़े से बड़े सम्राट याद मात्र उनका धन है। जब आप याद करते हैं तब आपको लगता होगा कि बैंक में खाता है, मकान खड़ा है, याद करते होंगे तब मेरा मकान है, इतनी जमीन है, इतने बच्चे हैं, इतने मठ मंदिर हैं, इतना प्रचार है। याद से सब प्रतीत होता है। गाड़ी नींद में जाते हैं तो क्या प्रतीत होता है? सब भूल जाता है, सारे ऐश्वर्य की पोल पट्टी खुल जाती है, सुसुप्त में कुछ भी याद नहीं रहता है, और जब मृत्यु होती है सब कुछ गायब हो जाता है। आपका क्या याद है? केवल, और याद की पोल पट्टी ऐसी है, याद भूल जाती, याद रहने वाली नहीं। याद मात्र संसार का संबंध है, और उस संसार के लिए हम कितना पाप करते हैं, पद के लिए, धन के लिए। यही नहीं कि राजनेते मात्र, ये धर्म नेता कहलाने वाले मानती के लिए, गुरुवाई के लिए आपाधापी करते हैं।
मुकदमे लड़ते हैं, हत्या तक करते हैं। सब जगह अंधा में काको समझाऊं, सारा संसार अंधा है। अयम भूतो अंधभूतो एम लोको तनुकेत विपश्यत, ये तथागत बुद्ध ने कहा। ये संसार अंधा है, बहुत थोड़े लोग देखते हैं। संसार का आकर्षण ये हमारे पतन का कारण है, और जितना आकर्षण है, कठोर शब्द में कहें तो मूर्खता है। हम आप याद करें, आज से 10-20-25-50 वर्ष पूर्व जिसमें हम आकर्षित हुए थे, आज कैसे लगता है? लगता है कि मूर्खता किए थे। जिसमें आप 20 वर्ष पूर्व आकर्षित हुए थे, क्या आज उसमें आकर्षित हैं? वैवाहिक दिन में योग ज्योति जो परस्पर आकर्षित होते हैं, क्या वही आकर्षण बना रहता है? यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते एक दिन आता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मुकदमेबाजी होती और तलाक हो जाता है। नहीं तलाक होता तो घर में रह करके एक दूसरे पर गुस्सा में भरे रहते हैं। जिस जिस चीज़ के लिए हम जहाँ जहाँ आकर्षित हुए हैं भौतिक वस्तुओं के लिए, वो हमारी मूर्खता ही रही। किसी चीज़ का आप विश्लेषण कीजिए तो संसार में आकर्षक नाम की वस्तु है ही नहीं, सब सारहीन है। और यह तथ्य तब पता चलता है जब अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, ऐसे संतों और साधकों से मिलो, उनसे प्रेरणा लो, संसार की असलियत को समझने का प्रयास करो। रासायनिक दृष्टि से अगर हम पदार्थों को देख पाएं तो लगेगा ये सब कुहरे के समान उड़ रहे हैं, सब कांप रहा है, सारा संसार खोल रहा है, कण कण सब बिखर रहा है, रासायनिक दृष्टि से देख नहीं पाते हैं। सब कुछ निरंतर प्रवाह धारा में बहता जा रहा है, किसके साथ क्या रहता है? जवानी की बात आज कहाँ रही? जो आज बूढ़े हुए भी जवान थे, शिशुपन कहाँ गया, बालपन कहाँ गया, कौमार्ज कहाँ गया, जवानी कहाँ गई? क्या आज ये रहने वाला है? जो है कुछ रहने वाला नहीं। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियारी, ते भी होते मानवी करते रंग रलियारी। साहब कहते जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, उस पर घास उगी हुई थी। साहब ने कहा ये जो राख है ये इंसान थी, रंग रास करती थी, लेकिन आज राख है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बात मरने के होता यही, या तो तुर्बत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। लेकिन ये सब सारी बातें जब निरंतर मस्तिष्क में रहें तब हम विकारों से बच सकते हैं। बुद्धि से तो जानते हैं लेकिन इसका ख्याल कितना करते हैं? जब निरंतर ये मन में बना रहे, और निरंतर तभी बनेगा जब साधना में उतरेंगे। जवानी में तो संसार के राग रंग करना चाहिए, बुढ़ापा में भजन करना चाहिए। दुनिया भर की खुराफात जवानी में करोगे, बुढ़ापा में भजन होगा? यही खुराफात उठाओगे, धरोगे दिमाग में? पहले से आरंभ करो, मन की सफाई करते चलो, वाणी की सफाई करते चलो। ये मन वाणी और इंद्रियां जो हमें मिली हुई हैं बड़ी खतरनाक हैं और बड़ी कामद मढ़ी, इनको संभाल लिए जीवन आनंद कंद है, इनको बिगाड़ दिए आज नरक है, आगे नरक है, कुछ काम नहीं देगा। न विद्या न धन और न ये बौद्धिक ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान काम देगा, कुछ काम नहीं देगा। जिसने अपने मन इंद्रिय वाणी को संभाल लिया वो धन्य हो गया। असली पूजा यही है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा।
जो करोगे वो भरोगे। नियम तो केवल गणित की तरह है, जो करो कंप्यूटर की तरह वैसा सामने कर देगा। और इससे हम भयभीत हैं, गलत हम करते हैं और फल नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे ईश्वर को गढ़ते हैं कि जो हमें क्षमा कर दे। और वो है झूठा, जो विश्वव्यापी नियम है वो सच्चा है। इसलिए हम अपने को संभालें, धोखे में न पड़े, धर्म के मार्ग में जो बहुत धोखे के वचन हैं उनमें न पड़े। जो चाहो चाहे जैसे करो, भगवान का नाम लो सब कट जाएगा, भगवान बहुत दयालु है। इस प्रकार कह कह करके हम अपने को झुठलाते हैं। आप दुष्कर्म करोगे कौन सुधार देगा? गुरु लोग भी चाहते हैं सस्ते नुस्खे बांटे भक्तों में, भक्तों को फुसला में, धन जन बढ़ना चाहिए, चरित्र लोगों का गिरे कोई हर्ज नहीं। आज के विज्ञान युग में ये गुरु लोगों का चमत्कार खूब चलता है। गुरु बाबा आकाश में उड़ते हैं, 500 वर्ष के हैं, 4 किलो चावल में भात बना, 1000 लोग खा लिए, 1 हंडा भात बच गया। गुरु महाराज नदी के ऊपर पानी पर खड़ाऊं पहने चले गए, आकाश में उड़ गए, जो चाहें दे सकते हैं, सिद्ध पुरुष हैं। ये सब का सब झूठ है, सारे चमत्कार छल कपट है, सारी अलौकिकता छल कपट है, और धर्म के क्षेत्र में महाप्रदूषण पैदा करते हैं। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। मंत्र का मतलब राय, कोई पवित्र शब्द पवित्र भाव वाला शब्द जो मंत्र है उसका पाठ करो, ठीक है, मन में पवित्रता आएगी। लेकिन छू करके मंत्र पढ़े और छू कर दिए और कुल बदल गया, ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता है। फलित ज्योतिष बकवास है, फलित ज्योतिष के पीछे मत पड़ो। ये शिक्षित लोग अंगूठियां खूब पहनते हैं, क्योंकि सब ग्रह दशा बांधे रहते हैं उसमें और दुख भोगते रहते हैं। नवग्रह के लिए 9 अंगूठियां पहनने वाले एक नेता हार गए चुनाव में, वो कोई ग्रह उनको बचा नहीं पाया। अंगूठियां उंगलियों के सौंदर्य को नष्ट करती हैं, गंदगी सदैव उसमें रहती है, ठंडी में ठंडा है, गर्मी में गर्मा है, भोलापन। अरे कोई विवाह उवाह के समय थोड़ा पहन ले, बरबधू है, 2-4 दिन के लिए ठीक है। बूढ़े बूढ़े लसेटे रहते हैं उंगली में, एक बूढ़े आए तो दोनों हाथ में सब अंगूठियां। मैंने कहा क्या फिर से शादी करना चाहते हैं? ग्रह दशा दिखाते हैं, जिनको दिखाते हो ग्रह दशा अपना नहीं जानते हैं। दिशाशूल लगता है आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने में, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध को उत्तर जाओगे तो काल है। इसका मतलब है मंगल बुध को इलाहाबाद से फैजाबाद बसे और ट्रेनें न जाएं। गुरुवार को दक्षिण जाओगे तो काल है, तो गुरुवार से उधर न आवे। फिर तेली को देख लिए तो अशुभ हो गया, और तेल खाते अशुभ नहीं होता है। अंग फड़कने से नुकसान और फायदा सब झूठ है, कुछ नहीं। पवित्र कर्म करो, निर्भय रहो, किसी को तकलीफ न दो, सबके प्रति भगवत बुद्धि रखो। ये सब भगवान है, भगवती है। भगवान के दर्शन करने की बात अगर अभी आवे कि सर ईश्वर ईश्वर अमुक रेलगाड़ी से इलाहाबाद स्टेशन पर उतरने वाला है, अभी 10 बजे उतरेगा, आप लोग सब भाग खड़े होंगे ईश्वर के दर्शन करने के लिए, और पुलिस को वहाँ प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाए सब भी देखो भगवान बैठे हैं, भगवती बैठे हैं, तो आप कहेंगे ये भगवान भगवती है? मनुष्य पर विश्वास नहीं, प्राणी पर विश्वास नहीं। या तो भगवान भगवती पत्थर की मूर्तियों में है, या तो आकाश शून्य में है, प्राणियों में नहीं। लेकिन असली भगवान भगवती ना आकाश में है, ना पत्थरों में, प्राणियों में। लेकिन इसमें बड़ा बढ़िया रहता आकाश में मान लिए, पत्थरों में मान लिए,
तो आकाश में पुकार लिए भगवान को और पत्थरों की पूजा कर लिए, अब ऑफिस में बैठे तब घूस लेते हैं, मनुष्य घूस लेते हैं। अब मनुष्य को भगवान माने तो घूस कहाँ ले, घी में डालडा और डालडा में चर्बी कैसे मिलाए अगर मनुष्य को भगवान माने तो। प्राणी को भगवान मानेंगे तो दुष्कर्म कैसे करेंगे, इसलिए प्राणी में भगवान नहीं है, पत्थर की पिंडियों में है या आकाश में, ये रास्ता निकाल लिया गया था। लेकिन कभी इससे कल्याण होने वाला नहीं, ये प्राणी भगवत स्वरूप है। जो आदमी जितना लंपट होगा वह दूसरे को उतनी पीड़ा देगा, जो जितना संयमित होगा पीड़ा नहीं देगा। पूर्ण संयम पूर्ण अहिंसा व्रत को प्रतिष्ठित करता है। अपने पर कम खर्च करो, विलासी मत बनो, संयमी बनो, सहज रहो, पाप नहीं करोगे। जितना विलासी बनोगे पाप करोगे और पाप का परिणाम ताप होगा। मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव, प्राणियों के प्रति करुणा, अन्य प्राणी जो छोटे बड़े हैं उनके लिए भी करुणा करो। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं हमें खाने के लिए बने, ये आपकी गलत व्याख्या है। कैसे बने हैं, क्या प्रमाण है आपके लिए बने हैं? सभी प्राणी जीवित रहने के अधिकारी हैं। मनुष्य का हृदय होना चाहिए करुणाशील, अन्य प्राणियों पर भी वो करुणा करे और मानव के साथ सुंदर प्रेम का बर्ताव करे। प्रेम का बर्ताव ही स्वर्ग है। आप अपने घर में गए, बाल बच्चों परिवार वालों को देख के प्रसन्न हुए, हंसे बोले, तो आपके घर में स्वर्ग है। घर में गए तो एकदम टेम्परेचर बढ़ा और जब बोले तो घर भर झनझन आ गया, घर में नरक आ गया। शाम को घर में इकट्ठे हो, सबसे हंस हंस कर बात करो, एक साथ बैठ करके भोजन करो, हंस हंस के बात करो, कोई धार्मिक कृत करो, पूजा पाठ कीर्तन जो आपका विश्वास हो कुछ करो, मन हल्का प्रसन्न रहो, घर में स्वर्ग है। भोजन की बात आई तो पिता बैठा है तो पुत्र नहीं बैठना चाहता पिता के साथ भोजन में, भाई के साथ भोजन करने में हिठाई लगती है। किसी से राय लेना देना बड़ा मुश्किल है। एक सज्जन ने कहा मेरे एक ही लड़का है, जब उसको कुछ कहना होता है तो मैं कागज लिख करके उसकी अनुपस्थित में उसकी मेज पर रख करके पत्थर से दबा देता और यही वो मेरे लिए करता है। जिस परिवार में आपस में संवाद नहीं है मधुरतापूर्वक, वह परिवार नरक भोग रहा है। परिवार हो समाज हो, आपस में संवाद होना चाहिए और वह संवाद मीठा संवाद, कट संवाद नहीं, परस्पर प्रेम। प्रेम में स्वर्ग, अनासक्ति में मोक्ष। प्रेम और अनासक्ति में विरोध नहीं, एक सिक्के के दो पहलू। शुद्ध प्रेम में अनासक्ति है, अनासक्ति में शुद्ध प्रेम है। अमुक लड़की को अमुक लड़का से प्रेम हो गया ऐसा कहना प्रेम को बदनाम करना, प्रेम नहीं हो गया मोह हो गया। प्रेम में देने की भावना होती है, प्रेम में सेवा की भावना होती है, प्रेम संकुचित नहीं होता है, लड़की लड़का में सीमित नहीं होता है, प्रेम व्यापक होता है। साहेब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, तो ये लड़की लड़का का प्रेम का, ये विश्वव्यापी प्रेम, प्राण मात्र के लिए प्रेम। प्रेम में स्वर्ग है। संत ईसा ने कहा कि जो कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ और पड़ोसी से वैर करता है, कैसे माना जाए ईश्वर से प्रेम करता है? ईश्वर को देखता नहीं वो कहता प्रेम करते हैं और पड़ोसी को देखता उससे वैर करता है। जिसको हम देखते हैं वैर करते हैं, जिसको देखते नहीं कहते हैं प्रेम करते हैं। इसलिए सही ढंग से अपने को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये भी भ्रम है कि जो कुछ हम करते हैं हमसे ईश्वर करवाता है, हम कठपुतली वो सूत्रधार है। बात बहुत बढ़िया लगती है लेकिन अगर आप कठपुतली हैं तो प्रवचन की क्या जरूरत है? कठपुतली बिगड़ी नहीं और सुधर नहीं सकती।
कठपुतली में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। आप अपने कर्मों के कर्ता धर्ता हैं, आप कठपुतली नहीं हैं। जो कुछ करेंगे उसका फल आपको भुगतना है, परिणाम भोगना है। इसलिए इस वस्तु को समझिए कि आप कठपुतली नहीं, आप स्वतंत्र कर्ता हैं अपने कर्मों के। जो आप सोचते हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो बोलते हैं उसके जिम्मेदार हैं, और जो करते हैं उसके जिम्मेदार हैं। जो बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, उसका परिणाम आपको घेर लेगा, छुट्टी नहीं पाएंगे। अच्छा करेंगे तो सुख देंगे वो उसके फल, बुरा करेंगे तो दुख देंगे। भगवान की माया हमें नचा रही। एक सज्जन आए, कहे महाराज क्या करूं, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं, परेशान हूं महाराज। मैंने कहा ईश्वर से हटो जल्दी। हंसने लगे। मैंने कहा आप तंबाकू खाते हैं, ईश्वर ने खिलाया? कोई शराब पीता है, ईश्वर ने शराब पिलाया? अगर ईश्वर कहीं होगा और माया उसके पास होगी तो वो परेशान होगा। आप अपनी माया को देखिए, हर व्यक्ति अपनी माया का निर्माता है। ईश्वर की माया किसी को भटकाती, ये महा झूठ है। हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मोह करते हैं, काम उन्मादी होते हैं, दुर्व्यसनी होते हैं, क्रूर होते हैं, लंपट होते हैं, यही सब माया है। और ये हमारी बनाई हुई सब माया है। इसको हम छाट दें, शील, करुणा, क्षमा, दया, प्रेम, समता से बर्ताव करें, निर्माया हो जाए। हर व्यक्ति की माया अपनी अपनी बनाई है, किसी ईश्वर की माया आपको नहीं नचा रही है, अपनी अपनी माया नचा रही है। लेकिन ये बात आम जनता का क्या दोष है? पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचा रही है। अघटित घटना पटी शीद्रतया निर्वचनीय हरि माया अति दुस्तरा, ये सब पंडितों की भाषा है। जब पंडित और महात्मा कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचा रही है, तो आम जनता बेचारी क्या करे, वो भी कहती नचा रही है। सारा दोष भगवान का है। हमारे ऊपर जितना दुख है उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। और अपने जीवन को हम दुखों से बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं, ये हमारे में बल है। जागना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान निबोधत, ऋषि ने कहा उठो जागो, विवेकवान पुरुष की शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो। कबीर साहब ने कहा कर बहिया बला अपनी, छाड़ वीरानी आश, जाके आगन नदिया बह, सोक स्मरे प्यास। हम नीच हैं, तुच्छ हैं, मानते मानते आपने अपने को बहुत तुच्छ बना डाला है। जीव तो तुच्छ है, अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, अबोधी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, श्रेष्ठ है। ऐसा किसने कहा? ईश्वर ने कहा? आपने कहा। आप अपने को तुच्छ कहते कहते दिग्भ्रमित होकर के बहुत भटक गए। आप तुच्छ कैसे हैं? शास्त्रों को किसने बनाया है? मनुष्य ने। सारे शास्त्र दुनिया के मनुष्य की रचना है। सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है। सारे देवताओं को मनुष्य ने सृजा है। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य। ऐसा मनुष्य तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? लेकिन ये बात भूल गए। उपनिषदों का चिंतन भूल गया। कबीर साहब का चिंतन उपनिषद चिंतन ही, वे धार धार बातें कहते हैं। वेदों में जब हम देखते हैं कर्म कांड का विषय तो अलग है, लेकिन ज्ञान वाला विषय बहुत धारदार है, यद्यपि थोड़ा थोड़ा है। उपनिषद में बहुत सच्चा निर्णय है। कबीर साहब का विचार एक उपनिषद ही है। हर बात में कारण कार्य व्यवस्था, उनका आप बीजक पढ़िए तो नीरछीर निर्णय है पूरा। लोहि महफूजस्त दरमानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जु हासिलत, दर हकीकत खुद तुयु मुल किताब, खुद चि खुद आयात खुद रवाजा। मनुष्य का दिल लोहि महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है,
हर काबिल चीज उसे अपने दिल से निकालना चाहिए और कुरान के आयतों को भी अपने दिल से निकालना चाहिए। सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम, समस्त विद्याओं का केंद्र मनुष्य का हृदय, वेद का वेद, कुरान का कुरान, बाइबिल की बाइबिल, गुरवाणी की गुरवाणी आपका दिल है। आपके दिल से सारी वाणियाँ निकली, आपकी ही सारी देन है ज्ञान विज्ञान। अपने को तुच्छ न समझें, जागें। तुच्छ करते करते हम अपने को बहुत दुखी बना लिए। जीवन की कमाई कौड़ी है, कौड़ी कमाने में अपने को हम कृतार्थ मानते हैं, माना कि कौड़ी की जरूरत है। अभी हम बस में बैठे हैं और पैसा न दें कंडक्टर को तो उतार देगा। रास्ते चल रहे हैं, भूखे हैं, पास में पैसे हैं, फल खरीद के खा लिए, संतोष हो गए। कौड़ी की जरूरत है, संसार की वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन क्या उसी में सब काम हो गया? हम इतने एकांगी हो गए हैं धन के श्रृंगार में, ऐश्वर्य के श्रृंगार में, पद के श्रृंगार में, असली काम भूल गए। असली काम है मन को स्वच्छ करना, वाणी को स्वच्छ करना, कर्म को स्वच्छ करना, सुख से जीना, सुख से मरना, सुख से जागना, सुख से सोना, बिस्तर पर जाए सुख से सो जाए, किसी की प्रतिक्रिया ना हो, शोक मोह ना हो, नींद खुले, मन में नरक न आए, चिंता है, उद्वेग है तो नरक है, नींद खुले, आराम से अपना काम करें। जितना काम है पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा। दुकान पर बैठे ग्राहकों को देवी देवता समझें, अफसर ऑफिस में बैठे ग्राहकों को देवी देवता समझें। हर क्षेत्र में जहां हम काम करें अगले प्राणियों को देवी देवता समझें, सुंदर बर्ताव करें, संतुलित भोजन करें, अंडा मांस मछली नशा गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब कबाब, कितना बकवास, कितना आदमी अपने बहुत बड़ा बुद्धिमान, कितने प्रोफेसर मुख में पान भर करके तब लेक्चरबाजी करते हैं तो बकरे की तरह गलगलाते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे जिनका मुंह साफ नहीं है? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? कितने महात्मा हैं गांजा का दम लगाते हैं, जो ना पिए गांजा की कली उस लड़का से लड़की भली, वो कहने वाले हैं। बिना अमल के मर्द जैसे बाणावर्द, और क्या, रोहू पढ़नी माछरी कलग कनक जीर के भात, भगत बैठ पछतात है दिने लटे की बात। ये मछली खाने वाले कहते हैं, रोहू और पढ़नी माछली हो, कनक जीर चावल का भात हो, तो भगत लोग सोचते क्या कहूँ, भगत हो गए नहीं तो हम भी खाते। तो मंत्र और श्लोक और दोहा चौपाई तो सभी बना सकते हैं। जितने दुर्व्यसन है आदमी ग्रहण करता है, कोई जानवर नहीं ग्रहण करता। वो आदमी बड़ा घमंड है और व्यर्थ की चीजें कितना खाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नशा की चल रही हैं उसके निर्माण में। सरकार एक तरफ से नशाबंदी का अभियान चलाती है और एक तरफ लाइसेंस देती है शराब के लिए। सरकार की मजबूरी है, सरकार ही क्या करे, सरकार को पैसा चाहिए। बस पैसा के पीछे, पैसा किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा आदमी उलझा हुआ है विराट रूप में, कोई सुधार एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। समाज नाम की कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है। एक व्यक्ति सुधर गया तो समाज का एक अंश सुधर गया। इसलिए हम अपने अपने को सुधारें, खान पान शुद्ध करें, आचार विचार शुद्ध करें, हक की कमाई खाएं। किसी ने प्रेम से दिया है तो खा सकते हैं। इंद्री मन पर संयम करें, मीठा वचन बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, जिन मनुष्यों के बीच में रहें मधुरता का बर्ताव करें। मधुरता का बर्ताव तभी होगा जब स्वार्थ को जीत करके रहें। अगर स्वार्थी होंगे तो मधुरता का बर्ताव नहीं होगा। महाराज राम ने स्वार्थ को जीत लिया तो भरत के लिए राज छोड़ दिया। भरत ने स्वार्थ को जीत लिया तो राम के चरणों में राज्य को चढ़ा दिया। निर्विवाद आपस में भ्रातृत्व बना रहा। कौरव पांडव दोनों स्वार्थ में पड़ गए, कट के मर गए।
भ्रातृत्व और भ्रातघाती युद्ध दोनों के महाकाव्य हमारे यहाँ हैं। जीवन में सच्चा भजन जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना है, और ये हमारे आपके परिश्रम से होने वाला है, कोई कृपा करने वाला नहीं। कोई कृपा कर देगा तो आप कर देंगे, गुरु महाराज कृपा कर देंगे, गुरु महाराज बता सकते हैं बस। शक्तिपात का महाभ्रम है, गुरु महाराज शक्तिपात कर देंगे तो चेला का सब बदल जाएगा। ये धनिक लोग ज़्यादा शक्तिपात चाहते हैं, अफसर लोग और धनी लोग, सब नहीं लेकिन भूले बहुत हैं। वो चाहते गुरु महाराज शक्तिपात कर दें हमारा सब बदल जाए। कैसे बदल जाएगा? कूड़ा कचरा तो हमारे मन में है, गुरु क्या कर देंगे? एक एक दुष्कर्म करके हमने अपने मन को नरक बनाया है, वो कोई उसको धोने वाला नहीं है, न गुरु महाराज धो पाएंगे न कोई भगवान भवानी धो पाएंगे। आपको धोना है, आप उल्टा मार्ग चले। दुर्व्यसन करते थे अब सदाचारी हो जाएं, क्रोधी थे अब क्षमाशील हो जाएं, लंपट थे अब संयमी हो जाएं, हिंसक थे अब दयालु हो जाएं। उल्टा मार्ग चले, उल्टे का उल्टा सीधा होता है। मीन मार्ग, विहंगम मार्ग, पपीलिका मार्ग। साधना में तीन मार्ग का थे, पपीलिका चीटी, चीटी धीरे धीरे चलती, जो धीरे धीरे साधना करे वो पपीलिका मार्गावलंबी है। मीन मार्गावलंबी मीन मछली धारा के उल्टे चलती, जो अपने पुराने कुसंस्कारों के उल्टे चलने लगता हूँ मीन मार्गावलंबी बहुत वीर है, अपने दुर्व्यसनों दुर्गुणों के उल्टे चलने लगा। क्रोध करता था अब क्षमा करने लगा, इंद्री लंपट था अब संयमी हो गया, ये मीन मार्ग है। विहंगम पक्षी, एक वृक्ष पर बैठा है पक्षी और उड़ करके दूसरे वृक्ष पर जाके बैठा, इस प्रकार जिसमें विहंगम शक्ति है, महान शक्ति है, वो विहंगम मार्गावलंबी। तो हमें आज तक जो जिस गंदी गली से आए हैं वो गंदी गली छोड़ना, सुधारना है अपने को। मूल रूप में समझें कि मानव को हम मानव की दृष्टि से देखें, जात न पूछें, वर्ण न पूछें। वर्ण जात दोनों झूठे, मनुष्य सच्चा है। मनुष्य की कीमत मत घटाओ जाति पूछकर। कोई भी संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, सबके दिल में है। महापुरुषों की संगत चाहिए, निर्देश चाहिए, सुधारना खुद को। परमात्मा कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, सबके अंदर में आत्मारूपी परमात्मा विद्यमान है। उधर दृष्टि करें, अंतर्मुख अपने को करें। रोज आप ध्यान करना सीखें, 24 घंटे में एक घंटा कम से कम समय निकालें। मैं तो कहा करता हूँ जवानों को एक घंटा निकालना चाहिए, 40 वर्ष के ऊपर वालों को 2 घंटे, 50 के ऊपर वालों को 3 घंटे और 60 के ऊपर वालों को कम से कम 4 घंटे। लेकिन 60 वाले भी आधा घंटा नहीं निकालते, बकवास करते हैं। 60 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन ये बूढ़े लोग रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। जवान का मन प्रसन्न रह सकता है, लेकिन बूढ़े और चिंतित रहते हैं कि घर कैसे चलेगा। दुनिया के सारे घर के मालिक मरते और सारे घर चलते हैं, आपका घर कैसे नहीं चलेगा? जितने अनुगामी रहेंगे अपना हाथ पार मारेंगे और खाएं पिएंगे जिएंगे। लेकिन आदमी बूढ़ा होता तो और चिंतित, बाल पकते हैं तो मोह और तृष्णा जबरदस्त उस पर धावा करते हैं। ये अपनी बनाई गलतियां, हमें जगने की जरूरत है। इतना उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है और इसको केवल कमाने खाने संतान पैदा करने उनके पालने पोषने में जिंदगी गई तो व्यर्थ गई। कमाना है, खाना है और परिवार का पोषण भी करना है, आश्रयी जनों की रक्षा भी करना है, ठीक है, लेकिन अपने आत्मा का उद्धार करना है। और आत्मा का उद्धार आपको करना है, भगवान की माया आपको नहीं नचा रही, आपकी अपनी माया नचा रही। भगवान आपको प्रेरित नहीं कर रहा है कि ये करो वो करो, जैसे आपकी बुद्धि होती आप करते हैं।
आप अपने को स्वयं देखें, बुद्धि शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, बुद्धि गलत होगी, कर्म अशुद्ध होंगे। अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना में लगें, संतों की संगत करें, विवेकवान संतों की, सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। धर्म ग्रंथ सब में सार है, कहीं से लेना चाहिए। मेरी मेज पर गुरु ग्रंथ साहिब भी है, कुरान भी है, बाइबिल भी है, वेद भी है, सब पढ़ता हूँ। ये माना कि सब लोग इतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो अपने अपने मत की किताब है वो उसको पढ़ें, तो उसमें भी काम की चीज़ें बहुत हैं। फिर आपको ऊपर उठना है सभी मतों और किताबों से, निर्णयी होना है, निष्पक्ष होना है, सार लेना है। साधु वैसा चाहिए जैसा सार सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा देव उड़ाए। सप्तमेत इतना पुनंतो जित्र धीरा मनसा वाचम कृत, ये वेद की ऋषि कहते हैं। चलनी से जैसे सत्तु छाना जाता है, वैसे विवेकवान वाणी को मन से छानते हैं। सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, और जल्दी जल्दी अपने मन को शुद्ध करें, वाणी को शुद्ध करें, कर्म को शुद्ध करें। ये तीनों शुद्ध होंगे, व्यवहार मंगलमय होगा, आपके द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होगी, आपको भी तकलीफ नहीं होगी, ये जीवन स्वर्ग लगेगा। और अंत में सबका मोह छोड़ें, करो रे मनवा दिन की तदबीर। अंत में अर्थी निकलनी है हमारी, इसको याद रखें, अशुभ नहीं है। मौत को लोग भूलना चाहते, विवाह की याद करना चाहते हैं। आज तो धनियों में ये भी पागलपन शुरू हो गया है कि विवाह वर्ष गांठ मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह वर्ष गांठ मना रहा था, तो लोग कह रहे थे कि मूर्खता दिवस मना रहा। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? मौत की याद करनी चाहिए। मौत मंगल करे। अगर कहावत है वध क्षेत्र में कि 100 बारात में जाओ तो नरक होगा, क्योंकि बारात में बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं, अश्लील बातें करते हैं। और 100 आदमियों के दफनाने अंत्येष्ट में जाओ तो स्वर्ग होगा, वहाँ मंचले नवयुवक भी गंभीर हो जाते और कहते भैदिया दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए मौत के दिन की याद तो बहुत मंगलकर है, लेकिन उसको लोग भूलना चाहते हैं। और मौत निरंतर निकट आ रही है, जो कोरी रे जाबुने नेरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। साहब कहते जैसे कोरी जुलाहा थान बुनता है तो एक एक सूत भरनी का डालता जाता है और थान खत्म होता जाता है, वैसे काल का लेखा है, एक एक सांस निकलती है और अंत में ये टंकी खाली हो जाएगी। जो सांस की टंकी ये शरीर है खाली हो जाएगी, इसको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। एक सज्जन ने कहा कि महाराजा आप तो शहर छोड़ कर बिल्कुल गंगा के किनारे आ गए। मैंने कहा गंगा के किनारे अंत में जाना इसलिए पहले आ गए। मौत की याद अमृत है। साहेब कहते जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कम मरी हो कब पाई हो पूरन परमान। मौत से भयभीत मोही आदमी होता है। मौत से प्यार करने की जरूरत है तो मौत दुखदाई नहीं लगेगी। मौत से प्यार करने मर्द अर्थ ये नहीं कि जहर खा लो और फांसी लगा लो, कि ये तो आजकल बड़ी बीच चल पड़ी है। थोड़ी बात में लोग आत्महत्या करते हैं, वो कायर है। मौत का प्यार वह करता है जो निर्भय होता है, जिसका मोह मिट गया उसका जीना मरना उसे बराबर लगता है। उसको ये भीड़ झूठी लगती है, सारा सम झूठा है, और ये झूठा होकर के रह जाता है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ऐशोजवान के साथ क्या रहता है? बड़े बड़े बादशाहों के कब्रों पर आज चिराग नहीं जलते हैं। इतिहास सिद्ध, बादशाहों के कब्रों पर चिराग नहीं जलते हैं। इसके साथ क्या रहता है? हमें जगना चाहिए, आत्मा के उद्धार के लिए जग जाना चाहिए। व्यवहार हमारा निर्मल हो तभी परमार्थ निर्मल होगा। आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक बहुत देर से पहले जादू का पर्दाफाश देखे, हमारे साधुओं ने जादू दिखाया और पर्दाफाश किया कि मंत्र से कुछ नहीं होता है, ये सब धोखाधड़ी है, कहीं आप फंसिएगा नहीं। उसके पश्चात
आप मधुर संगीत सुने और कबीर साहब के उसमें यान के स्वर पीछे में भी आ करके जो कुछ बन सका उल्टा सीधा कहा। अब इन सब का मनन करें, आचरण करें। यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से अनेक प्रदेशों से लोग आए हैं और बहुत लोग तो अभी चले गए हैं। जितना लोग पंडाल में होते हैं उतना ही वहाँ परिसर में होते, क्योंकि पंडाल में उतनी जगह नहीं है। और इतने लोग सब आते हैं, कितनी तकलीफ उठाकर आप लोगों की भावना की बहुत बहुत प्रशंसा है। और व्यवस्था में तो इतनी भीड़ में व्यवस्था, मेहनत तो करते हैं साधु संत भक्त ब्रह्मचारी सब मिल करके, लेकिन व्यवस्था की चिंता कोई भी साधु भक्त न करेगा, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि भीड़ में व्यवस्था करते हुए भी अव्यवस्था होती है। ये हम लोगों के संबंध का फल होना चाहिए, असंबंध का बोध होना। हम लोग मिले हैं तो अनमिलता का बोध हो, ये आत्मा अनमिल है। यहाँ क्या उपदेश दिया जा रहा है, क्या विचार बताया जा रहा है, क्या राय दी जा रही है, जीव अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं। हम आप मिले हैं तो जो ज्ञान मिला है उससे हम इस बात को पुष्ट करें कि जीव अकेला है। इस संबंध का फल हो, संबंध का मोह मिट जाए, आसक्ति मिट जाए। आसक्ति ही पाप है, सारा दुराचार उसी से होता है, उसको जीतें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कार्यक्रम का समापन सत्र, और समापन सत्र में पूज्यवर गुरुदेव को बनाया।